हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास ग्रेडियंट और कलर के कुछ टॉपिक्स पे होगा जो मैंने बताया नहीं था। तो सबसे पहले आपको एलिप्स टूल लेना और एक सर्कल बनाना है। और इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ और मैं फिल पे क्लिक कर रहा हूँ एक बार। और आपको मैं बताऊँगा कि आपको सबसे पहले आपका ये हेक्स शो करेगा, आपको क्लिक करके यहाँ पे HSB पे क्लिक करना है। और आपका ये 100% आप कर लो इसको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर आ जा रहा है। तो ये रेड कलर का फंडा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ह्यू। ह्यू हमारा एक सिंगल कलर होता है और HSB में 0 to 360 डिग्री में सारे कलर्स के रेंज आते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो देखो ये जो ह्यू पार्ट है वो चेंजेस आ रहे हैं और सबसे हाई पे जाने के बाद यहाँ पे 360 आ रहा है। अगर मैं सबसे लो पे ले जाऊँ तो वो शो करेगा 0, डैट इज़ रेड पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये 0 पे रहता है और सबसे ज़्यादा पार्ट रहता है वो रहता है 360 पे, ये डिग्री रहता है। तो अभी रेड के साइड में ऑरेंज है और ये 0 डिग्री पे रेड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 40 टाइप करूँ तो डैम श्योर ये ऑरेंज आएगा। और अगर मैं 360 के पास में ये पिंक है तो मैं अगर यहाँ पे 360 टाइप करता हूँ तो ये रेड पार्ट दिखाएगा। अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ये 326 पे पिंक दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जितना भी HSP का कलर है 0 to 360 के अंदर में आता है। उसके बगल में है सैचुरेशन। सैचुरेशन हमारा ये पार्ट होता है कि ये कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा इसका कलर कम रहेगा, यानी कि लाइट की तरफ जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे 50 टाइप करता हूँ तो ये इस तरफ आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये पूरा वाइट हो जाता है, अगर यहाँ ले जाता हूँ तो पूरा डार्क हो जाता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑलवेज डार्क होता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमेशा डार्क की तरफ ही जाएगा और लास्ट में ब्लैक हो जाएगा। तो ये पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है इसको एल्फा कहते हैं। एल्फा का मतलब होता है कि आपका कितना ओपेसिटी होगा। अगर मैं इसको कम करूँ तो फिल का ओपेसिटी डाउन या अप हो रहा है। और यहाँ पे जो पार्ट है मैंने बोला था कि ये कलर सेव करने के लिए। और यहाँ से मैं कोई कलर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस और यहाँ प्लस में मैं क्लिक करता हूँ तो ये कलर सेव होने लगता है। अगर मैं क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो ये डिलीट होने लगता है। तो मैंने यहाँ से दोनों को डिलीट कर दिया। ऊपर में आ जाओगे तो आपको तीन टाइप के कलर्स दिखेंगे, रेडियल ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट एंड सॉलिड ग्रेडियंट। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट पे आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, आप कोई कलर सेलेक्ट कर लो समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे एक बार क्लिक करो और एक कलर सेलेक्ट कर लो समथिंग लाइक दिस। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट बना सकते हो अप डाउन करके। और आप चाहे तो यहाँ क्लिक करके अपना कोड भी डाल सकते हो। HSB से हटा के हैक्स कर लेना, यहाँ पे आप कोड डाल देना अपना। आप चाहे तो कोई भी कोड डालो, मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल बुकमार्क में जाऊँगा। तो ये मेरा ग्रेडियंट का पैनल ओपन होता है। तो मैं ये वाले कोड्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यानी कि FF9A9E और दूसरा है FADOC4। तो मैं इनको टाइप करूँगा, मैंने अपने कॉपी में लिख लिया। तो पहले फर्स्ट क्लिक मैं यहाँ करूँगा, आपको मेक श्योर सॉलिड कलर से हट के लीनियर ग्रेडियंट पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मेक श्योर आपका ये हैक्स सिलेक्टेड रहना चाहिए। और आपको यहाँ पे अपना कोड डालना है, हैश को रहने देना है। और उसके बाद आपको लिखना है अपना कोड जैसा दिया हुआ था और एंटर प्रेस कर दो। और यहाँ पे आके एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पे टाइप कर लो, मेक श्योर हैश को नहीं डिलीट करना आपको। और आपको यहाँ पे टाइप करना है मैंने कर दिया। तो मेरा ग्रेडियंट तैयार है और मैं इसका ओपेसिटी सॉरी और मैं इसका बॉर्डर ऑफ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से मैंने अपने ग्रेडियंट्स बना लिया है। सेम इसी प्रोसेस से यहाँ के सारे ग्रेडियंट्स आप बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। और उसके बाद आता है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। बस ये 20 से बाहर की तरफ जाता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप देख लेना, आपको जो बेस्ट लगता है वही कर लेना। लेकिन मैक्सिमम जितना स्मूथ सरफेस इसका आता है, इसका नहीं आता, कहीं कहीं पे इसको भी यूज़ में लिया जाता है। तो आपको मैं ये लिंक दे देता हूँ, आप बहुत सारे ग्रेडियंट बना सकते हो। और आप मेक श्योर आप ये ग्रेडियंट सेव कर लेना ताकि आपको बार बार यूज़ ना करना पड़े।